नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी लेकर के। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माना जाता है। इस दिन से ही चैत्र मास की नवरात्रि का आरंभ भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। इसी कारण से यह तिथि हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय से ही ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं, जिनका प्रत्येक राशि पर असर पड़ता है। आइए जानिए किस किस राशि के लिए कैसा कैसा होगा यह नया आने वाला साल। हिंदू नववर्ष 2020 मेष राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए हिंदू नववर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको अपनी सभी पुरानी समस्याओं का से छुटकारा मिलेगा। इस साल में आपकी नौकरी में तरक्की होगी, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नवंबर में गुरु के दशम भाव में आने पर नीच भंग राजयोग का लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस समय आपको धन लाभ होने की पूर्ण संभावना बन रही है। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हों तो नवंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृषभ राशि फल। यदि वृषभ राशि के जातकों की बात की जाए तो यह हिंदू नववर्ष आपके लिए भी बहुत शुभ है। इस साल आपको शनिदेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। आपका भाग्य इस साल पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपको इस साल कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। इस समय में आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विशेष रूप से नवंबर माह के बाद समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत उत्तम समय है। इस समय में आप धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि फल। मिथुन राशि के जातकों के लिए हिंदू नववर्ष सामान्य रहेगा। इस साल में आपको शनि के अष्टम भाव में होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुरु के सातवें भाव में होने के कारण आपको समय समय पर सुधार भी मिलेगा। लेकिन जब गुरु अपनी नीच राशि में गोचर में जाएंगे उस समय में आपके कष्ट और अधिक बढ़ जाएंगे। आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए गुरु और शनि का अवश्य उपाय करें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि फल के लिए आने वाला संवत्सर बहुत शुभ है, मंगलकारी है। शनि के सातवें भाव में गोचर करने के कारण आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन नवंबर तक गुरु की स्थिति कुछ आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय में आपको किसी प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब गुरु महाराज गोचर में मकर राशि में जाएंगे तो आपको पूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग का लाभ भी मिलेगा, जिसमें आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आने वाला यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। हिंदू नववर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी है। शनि के छठे भाव में होने के कारण आपको सभी शत्रुओं का दमन हो जाएगा। आपके जितने भी शत्रु हैं सबका दमन हो जाएगा। आपके शत्रु इस समय आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वहीं गुरु और केतु के पांचवें भाव में होने के कारण आपको संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके साथ ही राहु के ग्यारहवें भाव में गोचर इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी आय में इस साल जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। कन्या राशि फल। कन्या राशि की बात करें तो यह संवत्सर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस साल आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। शनि के पांचवें भाव में और अपनी ही राशि में होने के कारण आपके संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं यह गोचर इस राशि के प्रेमियों के लिए भी काफ़ी शुभ है। यदि गुरु की बात करें तो इस साल गुरु भी आपको कई प्रकार के लाभ दे सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद भी इस साल में, उसका विवाद भी अगर कोई हो इस साल में उसका भी समाधान हो जाएगा। हिंदू नववर्ष 2020 तुला राशि फल के लिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। हिंदू नववर्ष के अनुसार यह साल तुला राशि वालों के लिए
काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। शनि के चतुर्थ भाव में गोचर करने पर इस राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कई तरह के विवादों का सामना करना पड़ सकता है, आपको इस समय में करना पड़ेगा। लेकिन नवंबर में जब गुरु का गोचर मकर राशि में होगा, उस समय आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह नववर्ष काफ़ी शुभ समाचार दे रहा है। इस साल वृश्चिक राशि के जातकों को शनि और गुरु दोनों का आशीर्वाद मिलने वाला है। शनि के तीसरे भाव में गोचर करने के कारण इस राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके साथ ही गुरु के दूसरे भाव में होने के कारण आपको धन लाभ के योग बनेंगे, जिसकी वजह से आपको आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। नवंबर माह में जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा, उस समय आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह साल मिला जुला रहेगा। आपकी राशि में शनि दूसरे भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपके धन में वृद्धि होगी, लेकिन आपके खर्च भी हो सकते हैं। वहीं गुरु के धनु राशि में रहने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपकी प्रवृत्ति भी धार्मिक होगी। संतान की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने ससुराल पक्ष से किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए यह हिंदू नववर्ष कुछ समस्याएं ला सकता है। इस साल शनि आपके लग्न भाव में रहेगा, गुरु और केतु 12वें भाव में, राहु 6ठे भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से इस साल आलस के शिकार बन सकते हैं आप। यदि आप जरूरत से ज़्यादा आलसी होए तो आपको शनिदेव की ओर से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कार्यक्षेत्र में पड़ सकती हैं। वहीं गुरु के कारण आपके खर्चों में भी अधिक वृद्धि हो सकती है। कुंभ राशि फल हिंदू नववर्ष के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है, क्योंकि इस साल इस राशि के जातकों पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी वजह से इनके खर्चों में वृद्धि होगी। लेकिन गुरु के कारण आपकी आय व्यय समान रहेंगे, लेकिन गुरु के राशि परिवर्तन के बाद आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जिनको पूरा करने के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए या हिंदू संवत्सर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस साल शनि और गुरु की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिसकी वजह से आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ आपको आय के अनेक नए स्रोत बनेंगे। आपके काम से आपके उच्च अधिकारी भी काफ़ी खुश रहेंगे। वहीं परिवार का सुख भी आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, परिवार के सभी लोगों का साथ मिलेगा। तो मित्रों, ये था हिंदू नववर्ष के हिसाब से आपके आने वाले साल का राशिफल। आगे भी हम आपको आपका मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल व दैनिक राशिफल का हाल बताते रहेंगे। जिसे जानने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन कोर्स को। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो जिसका आप समाधान चाहते हों, तो उसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं नीचे नंबरों के माध्यम से। तो इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।